गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे योर नेक्स्ट हिंदी क्लास। आज आप लोगों का हिंदी क्लास हो रहा है बच्चों। नर्सरी की बुक है ये, अक्षर मोती, पहचान ही रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को अ से लेके अह तक, क से लेके अंग तक कॉलम बनाकर लिखना सिखाया था। आज मैं आप लोगों को अंग वर्ण के बाद च वर्ण लिखना सिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ मैंने एक हिंदी की कॉपी में इस ढंग से कॉलम बना के पहले से रखा हुआ है। दो लाइन में मैंने डॉटेड दे रखा है बच्चों। इन डॉटेड को मैं मिला के दिखाऊंगी आप लोगों को। उसके बाद और लाइन ब्लैंक है जिसमें आप लोगों को खुद से बनाना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने हिंदी की एक लाइन वाली कॉपी लिखी है। इसी तरह से आप लोग अपने घर में अपने से बड़ों की मदद से, मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं उनकी मदद से आप लोग इस तरह से कॉलम बनवा लेंगे और उसमें लिखेंगे। देखिए, च, ये चौ है बच्चों, चौवन, चौसे चरखा, चौसे चम्मच, चौसे चाचा, बहुत सारा शब्द बनता है। तो चलिए देखिए, यहाँ चौवन को लिखने के लिए मैं डॉट को मिला रही हूँ। पहले ऊपर में एक लाइन देंगे, फिर एक लंबी लाइन देंगे, फिर एक छोटा सा और लाइन देंगे। इस तरह से कर्व लाइन से उसको इस लंबी लाइन में मिला देंगे। ये बन गया बच्चों चौ। देखिए, इस तरह से छोटा सा एक लाइन लिए, एक लंबी लाइन लिए, फिर कर्व लाइन से इसको इसमें मिला दिए लंबी लाइन में, तो बन गया चौ। एक लाइन लिए बच्चों, फिर एक लंबी लाइन लिए, एक छोटी लाइन लिए, कर्व लाइन से इसमें मिला दिए। देखिए, एक लाइन लिए बच्चों, फिर एक लंबी लाइन लिए, छोटी सी लाइन लिए, इसको कर्व लाइन से इसमें मिला दिए, बन गया चौ। ये देखिए, एक लंबी लाइन लिए, छोटी सी लाइन लेके इसको कर्व लाइन से मिला दिए, च। लाइन लिए, एक लंबी लाइन लिए, फिर एक छोटी लाइन से इसको कर्व लाइन से इस तरह से मिला लिए। देखिए बच्चों, मैं किस ढंग से मिला रही हूँ, आप लोग भी उसी तरह से डॉटेड दिलवाएंगे अपने घर में और उसको इस ढंग से मिलाएंगे। ओके बच्चों, देखिए चौ, चौवन से बच्चों बनता है, चौ से चम्मच, चौ से चरखा, चौ से चक, चक यानी किसी चीज़ को जब हम खाते हैं तो कैसा लगता है, वही हुआ चक। ये देखिए चौ, चौ से चाचा भी होता है, ये देखिए चौ, चौ से चम्मच भी होता है। ये देखिए, छोटी सी लाइन लेके कर्व लाइन से इसको इसमें मिला दी, ये बन गया बच्चों चौ। अब देखिए, ये लाइन बिल्कुल ब्लैंक है बच्चों, इसमें खाली है, मतलब इसको मैं मिला अपने से लिख के दिखाऊंगी कैसे बनता है। यहाँ एक लंबी लाइन दी है इस तरह से, सोई हुई रेखा, फिर उसके नीचे एक लंबी लाइन दी, फिर एक छोटी सी इस तरह से लाइन लेके कर्व लाइन से इसको इसमें मिला दिए, बन गया बच्चों चौ। ये देखिए, चौ से चरखा, चौ से चम्मच, चौ से चाचा। ये देखिए बच्चों, बन रहा है ना, एक लाइन लिए इस ढंग से, एक लंबी लाइन लिए, फिर एक छोटी सी लाइन लिए, कर्व लाइन से इसको मिला दिए, च। ये बन गया बच्चों च। ओके बच्चों, इस तरह से आप लोगों को आज मैंने बताया चौ वर्ण को लिखना। इसी तरह से आप लोग कोई भी हिंदी की एक कॉपी लेंगे घर में अपने से बड़ों की मदद से बच्चों, उसमें कॉलम बनवाएंगे और आज जो मैंने क्लास वर्क में आप लोगों को चौ वर्ण को लिखना सिखाया उसे होमवर्क बना करके सबमिट भी करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।